हे गाइस, तो आज हम यहाँ पे गुजरात का सबसे फेमस गुड़ कैरी का अचार बनाएंगे जो गुजरात के हर घर में बनता है। यहाँ पे हम इसे परफेक्ट मेजरमेंट के साथ पूरे साल चल सके उस तरीके से बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। तो गुड़ कैरी का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 बड़े साइज के राजापुरी आम लिए हैं। ये कच्चे आम हैं, ज़रा भी पके हुए नहीं होने चाहिए ये। और ये जो आम होते हैं ना, इसके छिलके हमें हटा देने हैं। ये हाँ, गुड़ कैरी के अचार में ना छिलके वाला आप यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो ये बहुत ही च्यूई हो जाता है, तो इसीलिए हमें छिलके हटा देने हैं। तो सारे आम के हम सबसे पहले छिलके हटा लेते हैं। आम के छिलके हमने हटा दिए हैं तो, और इस तरीके से पीसेस कर लिए हैं। ज़्यादा बड़े साइज़ के पीसेस नहीं करने हैं यहाँ पे। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक, बहुत सारा, करीबन 1/4 कप जितना नमक डाला है मैंने, और 2 टेबलस्पून जितना ट्यूमेरिक पाउडर डाला है। ये नमक हमने यहाँ पे बहुत सारा डाला है, लेकिन इसका टेस्ट इतना नहीं आएगा क्योंकि हमें ये ऐड करने के बाद इसे 24 आवर के लिए छोड़ देना है। तो 24 आवर्स तक हमें इसे अच्छे से रेस्ट करने देना होगा। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ढक देते हैं और इसे 24 आवर्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। सो आफ्टर 24 आवर्स आप देख सकते हो कि ये पानी सारा अलग हो गया है नमक की वजह से। तो उसमें से हम आम के पीसेस निकाल के ना एक कपड़े के अंदर ड्राई होने के लिए रखेंगे। तो ये ड्राई होने के लिए हमें और 24 आवर्स रखना है। तो इसे ऐसे ही छोड़ के हम अचार मसाला रेडी कर लेते हैं। अचार मसाले के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप सूखा धनिया लिया है, जिसे मिक्सी में क्रश कर लिया था। यहाँ पे मैंने 1/2 कप जितना राई का कुरिया होता है वो लिया है। ये आपको कोई भी ग्रोसरी स्टोर में आराम से मिल जाता है अचार के लिए। और ये मेथी के कुरिए, सारी चीज़ों को मैंने मिक्सी में क्रश कर लिया है। अब इसी के साथ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है फेनुग्रीक 1/4 कप लेके इसे मैंने मिक्सी में चला लिया था। यहाँ पे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसी के साथ हम ऐड कर देंगे लौंग 15 से 20, और 15 से 20 यहाँ पे ब्लैक पेपर डालेंगे। ये सारी चीज़ें जब सूख होगी जैगरी के साथ तो सबका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मसाले हमें ध्यान रखना है कि मिक्सी में क्रश करके यूज़ करने हैं। 2 टेबलस्पून हम हींग ऐड करेंगे, एसएस पतीदा। ये बहुत सारी यहाँ पे मैंने थोड़ी ड्राई चिलीज़, कश्मीरी चिलीज़, उसे भी मैं तोड़ के ऐड कर रही हूँ। अच्छी सी, अच्छा सा कलर के साथ साथ स्पाइसीनेस भी आएगी इसके अंदर, लेकिन ये एकदम ऑप्शनल है। अब ये तेल को मैंने गरम कर लिया है और मसाले के ऊपर हमें डाल देना है। तो करीबन यहाँ पे मैंने 1/2 कप जितना गरम ऑयल मसाले के ऊपर डाला है। कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। तो ये देखिए, ये मसाले अच्छे से हमारे ऑयल में सोक हो चुके हैं और थोड़े सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब डाल देना है टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक, 3 टेबलस्पून जितना ट्यूमरिक पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर हम डालेंगे 1/4 कप जितना, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। तो कश्मीरी रेड चिली पाउडर आपको अच्छे से यूज़ करना है। बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखिए हमारा डिलीशियस सा अचार मसाला रेडी है। बस तो फटाफट से एक बाउल ले लेना है और बाउल के अंदर हम ऐड कर दें जैगरी। तो यहाँ पे मैं 1.5 किलो आम था, तो 1.5 किलो जितना जैगरी यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ड्राई जैगरी यूज़ करना चाहते हो, वाइट वाला, तो वो भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। बस इसके अंदर अब हमने अचार मसाला जो रेडी किया है वो डाल देना है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये सारी प्रोसेस के लिए आप स्टील के बर्तनों का ही यूज़ कीजिएगा ताकि आपका अचार ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए, ये मसाला और गुड़ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैंने आम के पीसेस भी डाल दिए हैं जो अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। रेडी है। अब एक कपड़े से ना हम इसे कवर कर लेते हैं। अब ये अचार हमें इंस्टेंटली नहीं भरना होता है, इसे हम 3 से 4 दिन तक बाहर रहने देंगे ताकि जो जैगरी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए, ये मेल्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। 3 से 4 दिन हो चुके हैं और बहुत ही टेस्टी अचार बना है हमारा। इसे आप पूरे साल के लिए अच्छे से स्टोर करके रख सकते हो। इस तरीके की कांच की जार में आपको इसे स्टोर करके रखना है।
तो ये डिलीशियस वाला गुड़ कैरी का अचार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसे चपाती, पराठा, थेपला, दाल राइस किसी के भी साथ खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगा। शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।